ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जहां पर आपका चैप्टर का नाम क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है जो आपके बुक में नहीं दिए गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, आपके जो एग्जाम में आएंगे वो नॉर्मल क्या है, आपके एग्जाम्पल 7 है ना, प्लस एग्जाम्पल 7 प्लस आपके 16 क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो है, प्लस जो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन इस टाइप का है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक और सी, लेक होगा या सी होगा क्वेश्चन में, is 30 degrees and the angle of depression of the reflection of cloud in the lake or sea is 60 degree, find the height of the cloud। आपका क्वेश्चन यह है, लेकिन इसको जब ड्रॉ करोगे तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। सपोज एक क्लाउड है, ये एक क्लाउड है, इस क्लाउड का पॉइंट सपोज ये है ए, ठीक है, ये नीचे एक सी है या लेक है, सी और लेक, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का हाइट आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन साथ में इसने क्या दिया हुआ है कि आप उसको कहां से देख रहे हो, कहां से देख रहे हो, यह बता रहा है कि आप सी लेवल से ऊपर की तरफ 60 मीटर ऊपर से, 60 मीटर्स ऊपर से यहां से आप देख रहे हो, ये हमारी आंख है, ये टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है। जब यहां से हमने इसको देखा तो ये एक एंगल बना रहा है, उसने कहा कि ये एंगल कितना है हमारा, 30 डिग्रीज टुवर्ड्स एलिवेशन। तो अब हम क्या करेंगे, सी लेवल से एक डॉटर लाइन बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है, और ये एंगल हमारा होगा 30 डिग्रीज। साथ में अब आगे ये क्या क्या कह रहा है कि सेम पॉइंट से अगर हम इसके रिफ्लेक्शन को देखेंगे, क्लाउड के रिफ्लेक्शन को, तो क्या होगा, ये हमारी सी है इसके नीचे पूरा, इसका रिफ्लेक्शन कहां पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। सपोज हमारा रिफ्लेक्शन ऐसे आया, ब्लू कलर से बना रहा हूं, जो रिफ्लेक्शन आएगा इसका पॉइंट सपोज ये दिखाई दे रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक एक लाइन खींचेंगे हम, और वो इसी पॉइंट से उस पॉइंट को देख रहा है जहां पर वो रिफ्लेक्शन में आएगा। तो इसने कहा कि ये एंगल कितना है, 60 डिग्रीज, इसको ध्यान से, ठीक है। अब मेन है आपको करना क्या है, अब इसके पहले तो नेमिंग करेंगे हम, ए इधर बना दिया हमने, बी इस पॉइंट को लेते हैं, सी इस पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, डी पॉइंट हमारा जहां से हम देख रहे हैं, और जो पैरेलल बनाया ये हमारा ई पॉइंट है, ठीक है। 60 मीटर्स यहां पर है तो ई से बी तक हमारा क्या होगा, 60 मीटर्स, ठीक है। अब हमारे दो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से ट्रायंगल है हमारे, पहला ट्रायंगल क्या है हमारा, ए डी एंड ई, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, बड़ा ट्रायंगल आएगा हमारा डी ई एंड सी। इसको सॉल्व करेंगे, टेन 30 डिग्रीज, टेन
30 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या है हमारा ए ई बाई डी ई बेस। इसमें ध्यान से देखोगे तो डी ई इज कॉमन, तो इसको कॉमन लेके चलेंगे हम बाद में। टेन 30 कितना होता है हमारा 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू ए ई बाई डी ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आएगा डी ई इज इक्वल टू रूट 3 ए ई। ठीक है, इसको हम यहां पर ही छोड़ देंगे। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है टेन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या है हमारा ई सी बाई डी ई। अब टेन 60 डिग्रीज क्या होता है रूट 3 इज इक्वल टू ई सी बाई डी ई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आएगा डी ई रूट 3 इज इक्वल टू ई सी, डी ई इज इक्वल टू ई सी बाई रूट 3। रूट 3 नीचे नहीं छोड़ना है, क्या करेंगे ऊपर और नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा ई सी रूट 3 बाई 3। अब ई सी क्या है हमारा ई बी एंड बी सी, तो ये तो हमारा डी ई हो गया। अब डी ई आगे फिर क्या होगा हमारा ई बी प्लस बी सी ब्रैकेट के अंदर आ गया रूट 3 बाई 3। आगे हम क्या करेंगे डी ई इज इक्वल टू क्या है हमारा ई बी, ई बी कितना है हमारा 60 मीटर्स, 60 प्लस बी सी, बी सी में क्या है हमारा ये रिफ्लेक्शन है सी लेवल के ऊपर का, यानी 60 प्लस ए ई। सेम चीज हम लिख देंगे यहां पर 60 प्लस ए ई। ठीक है, रूट 3 बाई 3 दिस इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 120 प्लस ए ई रूट 3 बाई 3। ठीक है, अब डी ई यहां पर भी है, डी ई यहां पर भी है, तो हम क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, दिस इज इक्वल टू रूट 3 ए ई। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, अब इसको पकड़ लेंगे हम लोग। अब क्या है रूट 3 इस साइड में भी है, रूट 3 इस साइड में भी है, तो ये कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 120 प्लस ए ई बाई 3 इज इक्वल टू ए ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 120 प्लस ए ई इज इक्वल टू 3 ए ई। इसको इस साइड में लेकर आएंगे हमारा क्या हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 3 ए ई माइनस ए ई। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 2 ए ई इज इक्वल टू 120 ए ई इज इक्वल टू 60 मीटर्स। अब हमारा ए ई निकल के आया है 60 मीटर्स। ठीक है, लेकिन टोटल हाइट क्या होगी हमारी, टोटल हाइट क्या होगी सी लेवल से ए ई प्लस ई वी, दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 मीटर्स। ये आपका
फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है इसको कैसे करना है। द एंगल ऑफ शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज रूट थ्री टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। आपका क्या बताया है कि एक टावर है, सपोज ये टावर ए और बी है, इसका शेडो ग्राउंड के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि यहां पर इसका शेडो है, ठीक है। ये सपोज शेडो इज ये है हमारा शेडो, ठीक है, ये है हमारा टावर, ठीक है। अब आपको फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो यह जो शेडो पड़ रहा है तो इसका एलिवेशन कितना होगा, यानी सी की तरफ से आप ए को देखोगे ऐसे इस डायरेक्शन में, सी से ए की तरफ। ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये थीटा कितना है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज रूट थ्री टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। सपोज टावर का हाइट इज एक्स मीटर्स, तो शेडो का कितना हो जाएगा, रूट थ्री एक्स। अब हम निकालेंगे, एक ही ट्रायंगल है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी टैन थीटा, हमको एंगल नहीं पता है, इज इक्वल टू अपोजिट क्या होता है इसका, एक्स बाई रूट थ्री एक्स, एक्स एक्स कट गया, आपका बचता है वन बाई रूट थ्री। अब tan के अंदर एंगल्स में 1 बाई रूट थ्री किसका होता है हमारा, tan 30 डिग्रीज का, तो आपका आंसर रहेगा tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 बाई रूट थ्री। तो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या हुआ, 30 डिग्रीज, क्या हुआ 30 डिग्रीज। इस क्वेश्चन के साथ हमारे टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए अभी आपके, एग्जाम्पल में 7 क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन प्लस 2 और ये वाले, तो टोटल कितने हो गए आपके, 25 क्वेश्चंस, ठीक है। 25 क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।